नमस्कार दोस्तों, साल खत्म होने को आया है और नया साल यानी कि 2024 बस आ ही गया। चलिए इस साल की कुछ खास फिल्मों के बारे में बात करते हैं। उन फिल्मों की बात करते हैं जो इस साल सुर्खियों के साथ साथ काफी विवादों में भी रही। बॉलीवुड मूवीज हमारे जीवन में खासा अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं, जीवन में ही नहीं बल्कि समाज और समाज से जुड़ी समस्याओं को भी दर्शाती हैं। इसलिए बॉलीवुड मूवीज और एक्टर्स अपनी लोकप्रियता के चलते खासा अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं। आइए 2023 में होने वाली उन विवाद में रही कुछ मूवीज के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले 2023 में रिलीज हुई फिल्म केरला स्टोरी पर बात करते हैं। 5 मई 2023 को रिलीज हुई फिल्म केरला स्टोरी शुरू से ही विवादों से घिरी रही। आपको बता दें, इस फिल्म में केरला में लड़कियों के धर्म परिवर्तन और उन्हें कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप ISIS में जबरदस्ती शामिल करने की कहानी दिखाई गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मूवी में विवाद किस चीज पर हुआ, तो आपको बता दें, द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने 32,000 लड़कियों का आंकड़ा बताया था, लेकिन बाद में इस आंकड़े पर खूब विवाद हुआ। इसे गलत बताया गया और दूसरी तरफ ऐसा दावा किया था कि फिल्म के जरिए असलियत दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ और इसको काफी राज्यों में बैन यानी कि प्रतिबंध भी लगाया गया। दूसरी मूवी आती है आदि पुरुष। 16 जून को रिलीज हुई आदि पुरुष पर भी जमकर विवाद हुआ। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई कि फिल्म में कुछ डायलॉग सीन और किरदारों पर आपत्ति जताई गई। सोशल मीडिया पर एक टाइम पर बॉयकॉट आदि पुरुष जमकर ट्रेंड करने लगा। संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को भी ट्रोल किया गया और कुछ डायलॉग्स पर काफी विवाद हुआ, जैसे कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, इस वाले डायलॉग पर लोगों ने काफी क्वेश्चंस उठाए। फिल्म के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया कि जिस तरह से भगवान राम, सीता जी और हनुमान जी को दिखाया गया है, वैसा हमारे ग्रंथों में उनका वर्णन है ही नहीं, जिसके चलते फिल्म काफी फ्लॉप भी रही। तीसरी फिल्म है OMG 2 यानी कि ओ माई गॉड 2। इस फिल्म के पोस्टर और टीजर रिलीज होते ही विवाद शुरू हो गया था। इस फिल्म में एक्टर अक्षय कुमार भगवान शिव का रूप लेते नजर आए थे। फिल्म के रिलीज होने के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने फिल्म मेकर्स को नोटिस भेजा और फिल्म के निर्माताओं को चेतावनी दी कि बाबा महाकाल को लेकर कोई गलत प्रस्तुतिकरण किया गया है तो इसे हटाने के बाद ही निर्माता फिल्म रिलीज करें, जिसके चलते सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट से जारी किया था। चौथी फिल्म है हाल ही में रिलीज हुई रणबीर कपूर की एनिमल, जिसे सुर्खियों के साथ काफी कंट्रोवर्सी भी बटोरी। इस मूवी ने छप्पड़ फाड़ कमाई करी। इस मूवी को एक बैंगर से कम नहीं देखा जा सकता, पर इस मूवी को मिसोजिनिस्टिक यानी कि जो महिलाओं को कम समझता है और उनसे नफरत करता है, इस श्रेणी में रखा गया। इस फिल्म ने बॉलीवुड जगत में काफी सुर्खियां बटोरी, पर वही साल खत्म होते होते ये फिल्म भी काफी विवादों में रही। साल की कुछ फिल्में ऐसी भी रही जिन्होंने छप्पड़ फाड़ कमाई भी करी, जैसे डंकी, जवान, गदर 2, पठान, एनिमल, सैम बहादुर। तो कुछ फिल्में ऐसी भी रही जो फ्लॉप हुई, जैसे किसी का भाई किसी की जान और आदि पुरुष। आपके लिए साल की बेस्ट मूवी कौन सी थी, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।